केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकाकरण की प्रगति पर चर्चा के लिए बुधवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक शीर्ष सूत्र ने कहा है कि बैठक देश भर में वैक्सीन प्रशासन को बढ़ाने के लिए बुलाई गई है। भारत में AY4.2 नामक कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने के बाद से सरकार के साथ साथ लोगों की चिंता भी एक बार फिर से बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को इस मामले पर बात करते हुए कहा कि सरकार की नज़र इस मामले पर बनी हुई है और हर स्तर से इसकी जांच की जा रही है। अभी जांच चल रही है, टीम उसको चेक कर रही है, उसमें उसके बिना सोचे समझे कोई स्टेटमेंट दे देना कि इतना खतरनाक होगा, ऐसा मेरे लिए भी उचित नहीं है। और उसको एक बार, क्योंकि वेरिएंट बार बार बदलता रहता है, कौन सा वेरिएंट किस टाइप का वेरिएंट है, किसकी घातकता है, ये ICMR और NCDC के लोग साथ में मिलके उसकी डिटेल स्टडी करते हैं और उसके आधार पर वो लोग निर्णय करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा मिशन समृद्ध भारत के लिए है और देश का स्वस्थ होना जरूरी है। पीएम मोदी ने 157 नए मेडिकल कॉलेज मंजूर किए, सीटें भी बढ़ी हैं। जब आपको हेल्थ केयर को आगे बढ़ाना है और सुनिश्चित करना है तो आवश्यकता होती है डॉक्टर्स की, और डॉक्टर्स का एजुकेशन के लिए मेडिकल कॉलेज की। मोदी जी ने कहा पहले 3 लोकसभा सीट में 1 मेडिकल कॉलेज बनेगी, उससे आगे बढ़ना शुरू किया और हर डिस्ट्रिक्ट में 1 मेडिकल कॉलेज बने, इस दिशा में काम चालू किया। 157 नई मेडिकल कॉलेज मंजूर किया। मेडिकल्स UG स्टूडेंट, PG स्टूडेंट की सीटें लगभग नियरस्ट डबल हो गई और आगे बढ़ रही है। देश में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर की आवश्यकता होती है, वो पूरी करने के लिए अभियान चला। स्वदेश में विकसित की गई कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि WHO की टेक्निकल टीम ने इसे मंजूरी दे दी है। आज WHO की बैठक है, उम्मीद है कोवैक्सीन को जल्दी इमरजेंसी यूज लिस्टिंग मिल जाएगी। WHO की एक सिस्टम है, उसमें उसकी टेक्निकल कमेटी ऑब्जर्व करती है, उसके बाद एक दूसरी कमेटी ऑब्जर्व करती है और टेक्निकल कमेटी ने उसको पॉजिटिव दे दिया है। उसकी ऊपर वाली कमेटी 26 को आज ही मिल रही है, तो ये कमेटी के जो डिसीजन होंगे उसके आधार पर कोवैक्सीन को WHO का अप्रूवल होगा। 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम कर कीर्तिमान स्थापित किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए देश के डॉक्टरों, नर्सों और इनमें शामिल अन्य कर्मियों का आभार जताया था। INS रिपोर्ट।